गुड मॉर्निंग एवरीवन चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कल हम लोगों ने गुप्त काल के एक बहुत बहुत बड़े आदमी चंद्रगुप्त सेकंड पर टॉपिक को छोड़ दिया था लाकर और समुद्रगुप्त का लास्ट जो इम्पोर्टेंट काम था वो हमने पढ़ के चंद्रगुप्त सेकंड मैंने कहा था कि लंबा टॉपिक है एक दिन आ, 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 अगला लेक्चर जो है वो लेंगे तो आज उसी के ऊपर बातचीत करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने गुप्त काल में तीन इम्पॉर्टेंट आदमी पढ़ लिए हैं गुप्त काल को गुप्त काल क्यों कहते हैं जानते हो ना क्योंकि इसकी स्टार्टिंग जिसने की उसके नाम में गुप्त आता था षाणों का सामंत था थोड़ा सा डर था इसीलिए स्पष्ट नहीं कहा कि मैं स्वतंत्र शासक हूं बस अपने नाम के आगे महाराजा लिखा था महाराजा तब सामंत लिख सकते थे कोई ऐसा कोई बड़ा उसने अलग से आ, ये मान लो उनके एंटी नहीं गया था लेकिन मगध के आसपास के इलाके का एक तरह से कोशिश करने लगा कि भाई मुझे लोग राजा के रूप में आइडेंटिटी मेरी मान लें इनका आ, जो श्री गुप्त है जिसका नाम लिया जा रहा है ये संस्थापक हैं गुप्त काल के लेकिन ये इतना हिम्मत नहीं कर पाए थे संस्थापक कि ये स्पष्ट कह दें कि मैं ही राजा हूं मेरी ही मर्जी चलेगी, मैं ही टैक्स नहीं थोड़ा दबे कुचले टाइप के राजा की चलो कोशिश कर लेते हैं बनेगी बात ठीक है वरना कुशाण अगर एंटी हो गए तो हम माफी मांग लेंगे इनके बाद इनका बेटा घटोत्कच, जिसने पिताजी के ही कदमों पे चलते हुए बस ऐसे ही महाराजा के रूप में ही काम किया जितना पिताजी कर रहे थे लेकिन ये भी लंबे टिक गए 40-40 साल के आसपास इनका राजपाट था इतने सालों में जो कुषाण थे वो और कमजोर पड़ गए इसलिए इनकी आने वाली पीढ़ी ने हिम्मत दिखाई और जो इनमें सबसे ताकतवर पहला आदमी जन्मा जिसका नाम था चंद्रगुप्त ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है क्योंकि सेकंड इसका पोता है इनके बीच में इनके पिताजी चंद्रगुप्त सेकंड के पिताजी आएंगे समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट यह चंद्रगुप्त ने स्पष्ट कहा और यह वास्तविक संस्थापक बन गया इसने खुल के कहा कि भाई मैं इस एरिया का राजा हूं और अगर किसी को दिक्कत है तो वो मुझसे लड़ सकता है मैं युद्ध करने को तैयार हूं इसने अपने नाम के आगे एक डिग्री और जोड़ ली महाराजा जो इसके बाप दादा भी थे लेकिन धिराज यानी किंग ऑफ द किंग्स मैं राजाओं का भी राजा हूं अब ये स्पष्ट चुनौती है किसी को अगर दिक्कत हो तो वो मुझसे आके लड़ सकता है और इसने स्पष्ट अश्वमेघ यज्ञ भी के थ्रू ये सब चीज इसके बेटे ने खैर खास किया था इसके पास प्रॉपर्टी कम थी इसके पास उतनी प्रॉपर्टी थी ही नहीं तो इसने क्या किया? इसने चालाकी दिखाई और अश्वमेघ किया, तो किया लेकिन वो एरिया के मालिक ही नहीं थे तो इसलिए उनकी गिनती नहीं है जैसे बड़े मालिक होते हैं तो अश्वमेघ की कीमत है अब दो राज्यों में अगर अश्वमेघ चल रहा है तो इंपॉर्टेंट नहीं है जब पूरे भारत में समुद्रगुप्त घुमाएगा ना अपने घोड़े को उत्तर के नौ दक्षिण के बारह तब माना जाएगा कि हाँ प्रॉपर अश्वमेघ है इसीलिए कहते हैं कि ठीक है इसने स्टार्टिंग की इसको प्रॉपर्टी मिल गई इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी वैवाहिक संबंध कल आप लोगों को याद होगा लिच्छवियों की बेटी से शादी करके इसने प्रॉपर्टी इसको थोड़ी सी फ्री में मिल गई थोड़ी तो बाप दादा की थी थोड़ी सी दहेज के रूप में मिल गई तो इसके पास इस बड़े राजा ये बड़ा राजा बन गया क्योंकि बाकी सब इसके सामने छोटे पड़ गए तो इनको यूपी प्लस बिहार का इलाका मिल गया और ये यहाँ के स्पष्ट स्वतंत्र राजा हैं है और राजाओं के राजा है जो इस टेरिटरी में आसपास है ना इनके भी कर लेंगे नियम कायदे कानून चलवाए मुद्रा चलवाई और इनकी सबसे बड़ी ताकत इनके वैवाहिक संबंध थे जो लिच्छवियों के साथ थे और इसका ही फायदा इन्हें मिला कि इनका जो बेटा जन्मा जिसका नाम है समुद्रगुप्त उसने अपने नाम के आगे भी लिखवाया लिच्छवी दोहित्र और धीरे धीरे करके उसकी हिम्मत और बढ़ी क्योंकि तीन राजा हरा दिए और अब उसने घोड़ा छोड़ा कि अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे घोड़े को रोक लेना यह अश्वमेध यज्ञ है जो रोकेगा उससे मेरी सेना युद्ध करेगी तो अब सब लोग डर गए क्योंकि भाई इसके बाप दादा देखो ना जिसने शुरुआत उस टाइम पे कर दी जो महाराजाओं का भी राजा राजाओं का भी महाराज था तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर था फिर उसी सेना के दम पे दक्षिणावर्त का अभियान किया और दक्षिण के भी छुटपुट छुटपुट बारह राज्य नौ प्लस तीन उत्तर के उत्तर के राजाओं को तो इसने ये कहा कि भाई ये हिस्सा ही मेरा है तुम मेरे अंडर हो तुम मेरे सामंत हो लेकिन दक्षिण के राजाओं को इसने कहा कि अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें मैं तुम्हें तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा छोड़ दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा अपनी सेना का खर्चा तो निकालेगा ना राजा दक्षिण पर इसने आधिपत्य नहीं जमाया ग्रहण नहीं किया इनको सिर्फ दबा के डरा के इनसे टैक्स ले लिया भाई लायक किया था तो टैक्स क्यों ना ले ऊपर वालों को इसने ग्रहण भी कर लिया इतनी सारी विजय में कभी नहीं हारा जिसकी ये बात हो रही है उसका नाम क्या है समुद्रगुप्त इसीलिए समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था ये भारत का नेपोलियन है यानी इसको जैसे नेपोलियन बहुत बड़ा शासक था ना ऐसे इसको नाम दिया गया समुद्रगुप्त ने बड़े लेवल पे अश्वमेध यज्ञ कराए इसके पिताजी के यज्ञ फेमस नहीं है क्योंकि वो तो एक तरह से प्रॉपर्टी के मालिक दहेज के कारण बने थे इसने उस दहेज की प्रॉपर्टी का छोटा यूज करके नाम बड़ा कर लिया और फिर कैसे कैसे इसने ये सब हमने कल पढ़ लिया था इन सब की जानकारी हमें मिलती है हरिशेण ने एक प्रयाग प्रशस्ति लिखी है वैसे तो वो की अकेले की नहीं है हरिश्ण ने अकेले ने काम नहीं किया सम्राट अशोक जो बौद्ध धर्म को मानते थे सबसे पहले इन्होंने कौशाम्बी वत्स की राजधानी में एक बड़ा सा स्तंभ पे दो चार लाइनें लिखवाई वो अपनी बड़ाई जैसे हर राजा करता था इसके बाद ये स्तंभ खाली पड़ा था कई सदियाँ बीती फिर गुप्तों में समुद्रगुप्त ने इसका जो आदमी था हरिशेण इसने समुद्रगुप्त ने ये यहाँ से उठवाया और इसको फिट करवा दिया प्रयाग में यानी इलाहाबाद में जिसका अब नाम है प्रयागराज तो कोशांबी का ये स्तंभ उठा के लाया गया प्रयागराज में और इस पे ढेरों बातें लिखवा दी पूरी कहानियाँ जो मैंने कल सुनाई थी ना वो सब लगभग लिखी हैं उनमें दादा परदादा सारों के नाम ये घटोत्कच का नाम श्रीगुप्त का नाम चंद्रगुप्त का नाम खुद स्वयं समुद्रगुप्त का नाम लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी और एक पिताजी के नाम के साथ भी कि भाई चंद्रगुप्त का बेटा था और लिच्छवी दोहित्र था ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी जानकारी हमें लेटर स्टेज में मिली क्योंकि हमें पढ़नी नहीं आई स्टार्टिंग में लेकिन आज हमें पता है कि हरिशेन ने इस पर सबसे ज्यादा काम किया लेटर स्टेज में जहांगीर के कार्यकाल में जब उसका ये राज्यारोहण हुआ ना इसकी जानकारी भी है तो तीन बड़े आदमी कौन अशोक की सबसे ज्यादा समुद्रगुप्त की और उसके बाद जहांगीर की मैंने बताया था एक लाइन में बीरबल का भी नाम है लेकिन बीरबल कोई बड़ा राजा नहीं था तीन इंपॉर्टेंट राजा याद रखना ये सब हमने कल पढ़ लिया था आज हम इसके आगे की सीरीज को पढ़ेंगे गुप्त में गुप्त काल में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है जिसके टाइम को कहा जाता है गोल्डन पीरियड उसी के कारण गुप्त काल सबसे इंपॉर्टेंट काल बना एक क्लासिक एज जिसने जी है जिसका नाम आज हम पढ़ेंगे चंद्र गुप्त सेकेंड इसकी बहुत सारी उपाधियां हैं इसको आ, बहुत सारे नामों से जाना जाता है लेकिन जो सबसे फेमस इसका नाम है इसके अलावा वो है विक्रमादित्य इसी को विक्रमांक भी कहते हैं इसको देवगुप्त भी कहते हैं देवश्री भी कहते हैं बहुत सारे नाम हैं। इन सबसे आइडिया लगाओ कि ये देवताओं में विश्वास करता होगा तो देवश्री देवगुप्त और विक्रम जैसे ही नाम है विक्रमांक इसका नाम है विक्रमादित्य इसका नाम है परम भागवत भी इन्हीं का नाम है परम भागवत ये भागवत आपको दिखाता है कि वैष्णव धर्म में इनका इंटरेस्ट होगा तभी इनके नाम में भागवत आया परम भागवत ये इनकी उपाधियां हैं ठीक है ठीके? अभी सिर्फ सुनना है लिखने के लिए मैंने स्लाइड्स पहले बता बना रखी हैं वो हम लास्ट में पढ़ेंगे तो पहले कहानियों को जान लो चंद्रगुप्त सेकेंड मैंने कल एक छोटी सी संधि तुम्हें बताई थी कि शायद समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा राजा बना था जिसका नाम इतिहास में स्पष्ट नहीं है वो रामगुप्त था और रामगुप्त इतना बड़ी टी जिसको पिताजी से मिली बारह उत्तर के बारह दक्षिण के ये महाडरपोक राजा निकला और इसको छोटी सी एक शाखा जो गुजरात के आसपास थी शकों की इन्होंने हरा दिया और सिर्फ हराया नहीं एक बेजती एक अपमानजनक संधि भी की थी मैंने आपको कल वो सारी कहानी बताई थी उस संधि में ये था कि भाई जो ये रामगुप्त है इसको जिंदा छोड़ दिया और फिर ये इस बात के लिए राजी हो गया कि मैं अपनी जो इसकी पत्नी थी ना उसको जो है शकों को मैं सौंप दूंगा शकों का राजा उससे बेशक शादी करे तो बहुत बेजती की बात थी इसी का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड अपनी जो, जो बड़ा भाई है ना रामगुप्त इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी उसका कपड़े पहन के भेष धारण करके और शकों की एरिया में गया और फिर शकों का सफाया किया ऐसा सफाया किया शकों का कि शकों का नामो निशान खत्म कर दिया सारे बड़े बड़े आदमियों को मार दिया इसीलिए इसको शकारी भी कहा जाता है शकों का अरी अरी मतलब दुश्मन छोटी मात्रा आती है अरी पे अरी रिपु शत्रु दुश्मन तो शकारी कहते हैं और इस इंसिडेंट को कोई भूल ना जाए गलती से भी कोई ना भूले कि मैंने कैसे बदला लिया था शकों से इसी खुशी में इसने चांदी की मुद्रा भी चलाई थी तो चांदी का जो सिक्का चला था वो शकों को हराने के बाद किसने

जो चंद्रगुप्त सेकंड है इसकी शादी ध्रुव देवी से हुई और फिर इन्हीं का बेटा जन्मा जो अगली पीढ़ी में अगला राजा बनेगा गुप्तों का अगला राजा जिसका नाम रहेगा कुमार गुप्त, तो कुमार गुप्त जो है, वो किसका बेटा है चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी का बेटा है कुमार गुप्त अब ये जो मैंने कहानी सुनाई ना ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हिस्ट्री जो लिखती है वो अच्छाइयों को लिखती है लेकिन आपके दिमाग में ये टॉपिक रहना चाहिए इसीलिए बता दिया बस इसको सुन लिया

गुप्त ने धीरे धीरे पिताजी की बनी बनाई प्रॉपर्टी मिल गई लेकिन फिर भी कुछ हिस्से देखो मैंने कल ड्रॉ करके बताए थे यहाँ पर कि ये वाला जो हिस्सा था ना ये इन लोगों के पास नहीं था दक्षिण का भी एक हिस्सा इनके पास नहीं था तो इसने अपना राज्य और बढ़ाया समझदार बेटे कौन से होते हैं जो पिताजी के दी हुई संपत्ति को और बढ़ाए उतने में ही बैठ के खाया तो फिर क्या समझदारी है तो इसने अपने काम को और बढ़ाया साम्राज्य विस्तार किया और साम्राज्य विस्तार समझना ध्यान से कैसे किया अपने आप भी

एक नाग कन्या थी एक उसका नाम था कुबेर नागा तो चंद्रगुप्त ने देखो सेकंड शादी किससे की राजा बहुत सारी शादी करते थे इसी तरह से ताकि उनको प्रॉपर्टी का मालिक बनने का एक तरह से हक मिल जाए तो चंद्रगुप्त ने एक शादी की कुबेर नागा कुबेर लग रहा है कोई आदमी होगा लेकिन कुबेर नागा एक राजकुमारी है ये नाग वंश की है कोई वंश होगा ये राजाओं का तो वंश की बेटी है कुबेर नागा इससे शादी करता है चंद्रगुप्त पहला तो फिर इस एरिया में जहाँ कुबेर नागा के पिताजी का दबदबा था वहाँ कहीं ना कहीं वो लोग थोड़े शांत पड़ जाते हैं और वो भी मान लें कि भाई ये दामाद है तो ठीक है जैसा ये कहेगा जो ये कहेगा वो हम मान लेंगे तो सॉफ्ट कॉर्नर अपने आप आ गया ना नाग वंश वालों के मन में दूसरा इसने शादी की थी जो ये कुबेर नागा से शादी की ना इससे इसकी बेटी जन्मी उस बेटी का नाम है प्रभावती मैंने कल परसों देखो तुम्हें पढ़ाया था और बताया था प्रभावती ने ताम्र आ, लेख लिखवाए हैं याद होगा ना ताम्र लेख जिसमें अपने दादा परदादा घटोत्कच और इन सब की जानकारी पूना में मिले थे वो ताम्र लेख याद रखनी है चीजें प्रभावती इकलौती बेटी है जिसका नाम आया है ढेरों बेटी और बेटे थे, थे इसके लेकिन सबका नाम नहीं आया कुमार गुप्त का जैसे नाम लिया जाता है ऐसे प्रभावती का नाम लिया जाता है प्रभावती किसकी बेटी है चंद्रगुप्त की शादी किससे हुई कुबेर नागा से नागवंश की कन्या है ये राजकुमारी इन दोनों की बेटी जन्म लेती है प्रभावती और जब प्रभावती बड़ी हो जाती है तो चंद्र

करें क्या करें समझ में नहीं आ रहा था फिर प्लान किया प्रभावती जब बड़ी हुई प्रभावती की शादी करा दी रुद्रसेन सेकंड नाम के राजा से आपने रुद्र दामन भी पढ़ा हुआ है रुद्रदामन दामन याद आ रहा है शकों का राजा था पहले टाइम में जिसने सुदर्शन झील के ऊपर काम करवाया था रुद्रदामन ने गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख बनवाया था रुद्रदामन ने अब वो मर चुका है अब बहुत बाद की बात हो रही है कई सौ साल बीत गए तो प्रभावती जो किसकी बेटी है चंद्रगुप्त और कुबेर नागा की पहले अपनी शादी की फिर चौदह पंद्रह साल बाद जब बेटी बड़ी हो गई तो उसकी शादी कर दी वाकाटक के राजा ये वाकाटक कहाँ था आज के महाराष्ट्र के आसपास का इलाका यहाँ के राजा से अपनी बेटी की शादी की और इसका लक देखो इस राजा का वो आदमी मर गया जिससे इसने अपनी बेटी की शादी की तो अब बेटी की प्रॉपर्टी भी तो पिताजी को मिल गई तो एक तरह से ये वाला हिस्सा भी इन्हीं के एरिया में आ गया इसके नीचे जो कर्नाटक के आसपास का इलाका था ना ये खाली पड़ा था मतलब यहाँ अलग राजा था तो इसने अपने बेटे कुमार गुप्त की शादी कुमार गुप्त जो देखो इसका सबसे बड़ा बेटा था कुमार गुप्त इसकी शादी कर दी इसने किससे ये जो इलाका है ना इसको आ, कई नामों से जाना जाता है कदम्ब भी लिखा हुआ है कर्दम भी लिखा है कदम्ब लिख लेते हैं कदम्ब ये राजवंश था कर्नाटक के आसपास यहां से बहू ले आया अपनी उस बहू का नाम कहीं नहीं आता तो अपने बेटे की जो वाइफ है वो ले आया कर्नाटक से तो वो भी इनकी प्रॉपर्टी एक तरह से बन गई भाई रिश्तेदारी बन गई महाराष्ट्र के इलाके में अपनी खुद की बेटी दे दी और वहां का लक इसका कि वहां का राजा मर गया अब ये पता नहीं होता हो सकता है उस टाइम पे इतिहास में ऐसा रहा हो कि जानबूझ के कुछ जहर वगैरह डाल दिया मुझे नहीं पता ये लिखा नहीं है लेकिन बाय चांस की बात मान लो इसका लक फैक्टर मान लो कि प्रभावती का हस्बैंड भी एक्सपायर हो गया तो देखो जो हिस्सा पिताजी का था उससे आगे जो जो नहीं था वो किस्मत से इसको मिलता चला गया पहले खुद शादी की नागवंश की कुबेर नागा के साथ इनकी बेटी जन्मी प्रभावती प्रभावती की शादी कर दी रुद्रसेन सेकंड के साथ जो वाकाटक विदर्भ महाराष्ट्र का राजा था वो मर गया ये प्रॉपर्टी भी इनकी अपने बेटे कुमारगुप्त जो किस-किस का बेटा है चंद्रगुप्त सेकंड का और जो वो रामगुप्त की पत्नी थी ना ध्रुव देवी उनका बेटा उसकी शादी कर दी कर्नाटक के कदम राजवंश की कन्या के साथ तो ये सारी प्रॉपर्टी अब इसके पास आ गई किसके पास चंद्रगुप्त सेकंड के पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने ऐसे प्रॉपर्टी को हड़प ली ये सब प्लानिंग्स थी प्लानिंग्स का हिस्सा था इसके अलावा इसने बहुत सारे इलाकों पर जहां इस तरह का हिसाब किताब नहीं था अटैक भी किया सीमावर्ती कई इलाकों पर इसने अपना दबदबा भी बनाया तो बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है बड़ी सेना है कोई टेंशन नहीं इसके दरबार में नौ रत्न हुआ दे दे बहुत तेज दिमाग आदमी उस टाइम पे इतने तेज दिमाग कि आज तक हिस्ट्री में आर्यभट्ट को ऐसा कौन इंडियन है तो आर्यभट्ट की बात करें, करें घटक की बात करें हम या अमर कोश की बात करें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं मैं कुछ के नाम दे देती हूँ नौ फिर इकट्ठे पढ़ा दूंगी सबसे पहले नाम ले लेते हैं हम लोग जो मैंने अभी नाम लिया आर्यभट्ट का मैथमेटिक्स में सबसे ऊपर जो नाम है वो आर्यभट्ट का ही तो है आर्यभट्ट ने तो बहुत सारी चीजें इनकी। इनकी ये देखो कि आजादी के बाद जब हमने अपनी पहली सेटेलाइट बनाई तो उसका नाम भी हमने आर्यभट्ट रखा था तो आर्यभट्ट आज तक भी हमारे जीवन से गया नहीं है एक ऐसा नाम जो अब तक हर बच्चे को पता है दूसरा एक आदमी था वराह मिहिर वराह मिहिर एस्ट्रोलॉजर था बहुत बड़ा साइंटिस्ट मान लीजिए जो एस्ट्रो यानी ये खगोल विज्ञान चांद तारे सूरज ग्रह उपग्रह उस टाइम पर टेलीस्कोप तब कहाँ थे थे ही नहीं उस टाइम पे सोचो आंखों से सब चीजें देखना ऑब्जर्व करना स्थिति कब सर्दी कब गर्मी कौन से तारे किस पोजिशन में सब कुछ इनको अकल थी तो खगोल विज्ञान में बहुत बड़ा नाम किसका था वराह मिहिर का तब साधन इतने भी नहीं थे जितने आज हैं आज तो

और कवि भी हैं दोनों विद्या बहुत कम लोगों के पास होती हैं या तो लोग कवि बन जाते हैं या लेखक बन जाते हैं और इनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं मैं एक दो बता देती हूँ ताकि इतिहास फिर आपको याद रखना आसान दिखे कालिदास कहते हैं महामूर्ख था जब कालिदास बचपन में जन्मा ना तो कहते हैं इससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर नहीं था और बचपन में एक बार जब ये उस टाइम पे गुरुकुल में जाया करते थे तो कुछ ऐसे कागज़ होते होंगे जैसे ताड़ पत्र वगैरह संस्कृत जिनमें लिखी होती थी तो गुरु ने पढ़ाया और कहा कि भाई इसको घर जाके घोट के पी लेना तो कहते हैं कालिदास इतना मूर्ख था कि जो वो कोई ताड़ पत्र वगैरह था ना उसको अपने उसमें डाला जिसमें घोटते हैं और उसको घोटने लगा तो कोई आया बोला भाई ये क्या कर रहे हो तो बोला गुरु ने कहा है कि ये घोट के पीना है तो जिसपे ये लिखा था ना उसको घोट दिया इतना मूर्ख था ये तो इसकी मूर्खता के चर्चे थे कि इतना मूर्ख है ये बालक ये पता नहीं बड़ा होकर क्या करेगा जब ये यहां पे बच्चा था थोड़ा बड़ा हुआ कुछ साल बीते तो उस टाइम पे ना आस पास में जैसे बहुत सारे राजा राजा का मतलब ये मत मानो कि एक राजा राजा का मतलब था एक तो बड़ा राजा और आस पास के थोड़े दूर के एरिया में और भी राजा राज करेंगे जो कि अपना राजा उस बड़े राजा को मानते हैं तो उसी टाइम पर गुप्तों के टाइम में ही कहते हैं कोई एक वंश था जिसमें एक लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी राजकुमारी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और उसके इंटेलिजेंस के दूर दूर तक चर्चे थे और वो इतनी तेज दिमाग थी कि वो आदमियों के साथ बैठ के जब भी टॉपिक पर बातचीत होती वाद विवाद तो उसकी बराबरी के तर्क कोई दे ही नहीं पाता इतनी तेज दिमाग थी वो महिला तो जैसे शादी के लायक हुई तो उसके पिताजी ने कहा भाई इसकी मैं शादी करना चाहता हूँ और इसके लायक कोई वरी नहीं मिलता तो जिस जो भी राजा राजकुमार आता कि भाई हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं तो ये दो चार प्रश्न पूछती और बेजती हो जाती उन लोगों की क्योंकि वो इतने ज्ञानी नहीं थे तो धीरे धीरे फैल गया ये कि ये राजकुमारी जो बहुत नकचढ़ी है बहुत जो है बिगड़ैल है और बड़ी घमंडी है और अपने आप को पता नहीं क्या समझती है तो कुछ आसपास के राजाओं की जब बेजती हो चुकी थी उन्होंने प्लान किया ऐसे ही इसने अपने दरबारियों की भी बहुत बेइती की तो कुछ लोगों ने मिलकर प्लान किया कि इसको मजा चखाना चाहिए और जो ये इतनी इंटेलिजेंट बनती है इसकी शादी किसी जो धरती पे सबसे बड़ा मूर्ख हो ना उससे करवा देनी चाहिए तब इसको अकल आएगी तो इस राजकुमारी से बदला लेने के लिए कुछ लोगों ने एक गुट बना लिया कि भाई ये ज्यादा इंटेलिजेंट बनती है तो इसका बदला लेंगे और उन्होंने कहा हम सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढते हैं इस धरती पे तो ऐसे ही खोज में कहते हैं कभी ये लोग जा रहे थे वो चार पांच आदमी जंगल से गुजर रहे थे तो देखा ये कालिदास जो है जो बड़ा हो चुका है एक पेड़ की लकड़ी पे बैठा था ऊपर किसी टहनी पर जैसे गिरेगी तो ये मूर्ख सबसे पहले धरती तो पर होगा कि जिस टहनी पर बैठा है, उसी को काट रहा है। तो उन्होंने कहा तो तेरी शादी हो गई तो इसने कहा मेरी शादी नहीं हुई तो कहा तेरी शादी राजकुमारी से करवा ये महामूर्ख मंदबुद्धि आदमी खुश हो गया इसने कहा हाँ राजकुमारी से करवा दो तो बोले लेकिन तुझे राजकुमारी ना पहचान जाएगी तो तुझे चुप रहना पड़ेगा अगर तू चुप रहेगा तो राजकुमारी तुझसे शादी कर लेगी तो इसको बहला फुसला के और इसको ये समझा दिया कि तुझे राजकुमारी के सामने मुंह नहीं खोलना और हम ऐसे कहेंगे तू बहुत इंटेलिजेंट है वो तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी क्योंकि वो तो हमेशा क्वेश्चन पूछती थी आंसर सुन के ही वो जो थी वो जज करती थी कि आदमी के दिमाग का लेवल क्या है तो इन्होंने कहा कि तू चुप रहना बस इशारे करना और हम अपने आप तेरे इशारों का मतलब उसको बता देंगे तो अब ये खुश हो गया कि मेरी शादी राजकुमारी से होगी चल पड़ा अपना बन ठन के तैयार होकर चल पड़ा वो चार पांच आदमी भी गए राज दरबार में गए और राज दरबार में जाके राजा से कहा कि राजा हमने बहुत ढूंढा और आपकी जो बेटी इतनी लायक है इतनी तेज दिमाग है उसके टक्कर का आदमी

करती है तो फिर यहां से चला जाएगा फिर पता नहीं कहां जाके आ, कोई ऐसा आदमी मिलेगा नहीं मिलेगा तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं अगर आ, अभी बोल नहीं रहा तो इशारों से बता दे आंसर तो ठीक है राजकुमारी तैयार हो गई ठीक है कोई दिक्कत नहीं इशारे अगर बता देगा तो मैं उसको भी मान लूंगी तो राजकुमारी ने इसको दो क्वेश्चन दिए राजकुमारी ने इसको पहला क्वेश्चन दिया ऐसे किया इसका मतलब कुछ कह रही होगी जो उसके मन में रहा होगा तो ये मंद बुद्धि था ही इसको लगा जैसे उसने यूं किया तो उसको लगा ये कह रही है तेरी एक आंख फोड़ूंगी तो इसने इशारा किया उसको जवाब दिया ऐसा इशारा कर दिया तो उसने कहा ये क्या कह रहा है ये आदमी तो जो चार पांच चालाक आदमी थे इन्होंने कहा ये कह रहा है कि आपने कहा कि आ, आत्मा एक है ये कह रहा है आत्मा के साथ परमात्मा का भी अस्तित्व है तो इतनी ज्ञान की गूढ़ बात तो राजकुमारी को लगा भी बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है तो उसने कहा ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन राजकुमारी ने ऐसे इशारा किया पांच उंगलियां तो इस मूर्ख को लगा कि ये कह रही है तुझे एक थप्पड़ मारूंगी तो इसने सोचा अच्छा मुझे थप्पड़ मारेगी तो इसने ये इशारा कर दिया इसका मतलब मैं भी तुझे मुक्का मारूंगा तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या कह रहा है तो इन पांचों ने कहा ये कह रहा है आप कह रही हैं शरीर पांच तत्वों से बना है और ये कह रहा है वो सब मिलकर ही धरती का निर्माण करते हैं तो राजकुमारी बड़ी इंप्रेस होती है इतना ज्ञानी गूढ़ बातें करने वाला ही आदमी तो वो तैयार हो जाती है इससे शादी के लिए अब इनकी शादी हो जाती है लेकिन मूर्ख तो अपनी मूर्खता का परिचय देगा तो जैसे इनकी शादी होती है राजकुमारी को पता चल जाता है कि ये सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है और इसके तो चर्चे हैं कि इससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर है ही नहीं राजकुमारी इसको तुरंत छोड़ देती है अब इसको ये बात इतनी लग जाती है इतनी ज़्यादा मन पे लगती है कि ये डिसाइड करता है कि मेरी जो बेजती हुई है वो तो मेरी ज़बान के कारण हुई है और कहते हैं ये किसी काली माता के मंदिर में जाता है वहीं पे, और जैसे ही अपनी ज़बान को काटने की कोशिश में था कि मैं इस जबान को ही काट दूंगा और अपनी जीव बाहर निकाल के जैसी कटार लेके उसे मारने लगता है कहते हैं वहां खुद सरस्वती माँ प्रेजेंट होती हैं और वो कहती हैं कि भाई तू ये क्यों सोच रहा है ऐसा क्यों कर रहा है तो ये कहता है कि मेरी जबान जो है ना इसके कारण मेरी मंदबुद्धिता का परिचय मिला और मुझे ये जबान नहीं चाहिए तो फिर वो कहती हैं कि आज के बाद मैं तेरी जबान पर विराजमान रहूंगी और इस धरती पर तेरा नाम चलेगा और तू इसी कारण जाना जाएगा इस जबान के कारण और कहते हैं उस दिन के बाद से इसकी बुद्धि ऐसी फिरी कि आज कालिदास को मैं और तुम पढ़ रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं पढ़ और पढ़ाया जाता है जिस आदमी को वो था कभी मंदबुद्धि कालिदास संस्कृत का ऐसा प्रगाढ़ पंडित बना इतनी knowledge, इतनी नॉलेज नॉलेज कि कोई चीज़ ऐसी रही ही नहीं जिसमें इसने अपनी विद्या को ना आजमाया हो चाहे कविताओं के रूप में बात करें काव्य के रूप में या लेख के रूप में दुनिया भर में फेमस हैं इसकी किताबें आज तक विदेशियों ने भी ट्रांसलेट करके इसकी किताबों को अपने लाइब्रेरीज में रखा हुआ है संस्कृत में लिखा करते थे अभिज्ञान शाकुंद तुलम मालविकाग्निमित्रम मेघदूतम ऋतुसंहारम सुने होंगे ये नाम आपने सारे मालविकाग्निमित्रम याद करो अग्निमित्र था मालविका एक राजकुमारी थी वत्स की अग्निमित्र शुंग का बेटा उनके ऊपर थी ऐसे बहुत सारी मेघदूतम जिसमें ये सारी जो इसकी किताबें हैं ना ये तो कविताओं के रूप में है ये लिखोगे सारी फेमस हैं तो कालिदास अपने आप में बहुत बड़ा आदमी था संस्कृत का प्रगाढ़ पंडित था ऐसे ही एक अमरकोश लिखा गया जिसमें एक तरह से डिक्शनरी मान लीजिए किसी ने पर था बहुत सारे नाम थे बेताल भट्ट था इन लोगों ने किसी ने ज्योतिष में काम किया किसी ने वास्तुशास्त्र पर काम किया किसी ने शिल्प शास्त्र पर काम किया तो ऐसे अपने टाइम के नौ बेस्ट आदमी थे किसके दरबार में थे ये चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में बहुत बढ़िया टाइम पीरियड बीता इसी के टाइम में एक आदमी घूमता हुआ आया जिसका नाम है फाहियान फाहियान का मतलब होता है धर्मों का ज्ञान इकट्ठा करने वाला धर्म का ज्ञान इकट्ठा करने वाला कौन से धर्म का बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध जो है ना हम लोग इंडिया में लकी रहे कि सारी जितनी यात्रा महात्मा बुद्ध के जीवन की है उसका 99 परसेंट इंडिया में है महात्मा बुद्ध ज्यादा बाहर नहीं गए वो इन्हीं इलाकों में घूमे कहां कहां मगध में और अपने कौशाम्बी में वत्स में और इसमें कौशल में श्रावस्ती जिसकी राजधानी थी वज्जी में ये सर्कल है इंडिया के बीच वाले हिस्से में जिसमें ये इतने बड़े आदमी घूमते रहे जिनको लोग आज भगवान के रूप में पूछते हैं तो ये हमारा लक फैक्टर मान लो कि हमारे रहे और इनको जो पढ़ते हैं जो इनको जानना चाहते हैं आज वो भरे पड़े हैं चीन में वो ढेर भरे पड़े हैं कोरिया में जापान में पता नहीं कहां कहां इनके फॉलोअर्स हैं अगर इधर की बात करूं आ, नीचे की बात तो इसमें श्रीलंका के आसपास जो आगे बेल्ट है ना पूरी वो सारी भी इनकी फॉलोअर है तो बहुत बड़े लेवल पर काम आज भी चल रहा है बौद्ध धर्म का इस बौद्ध धर्म को जानने के लिए पता तो था ही लोगों को और ज्यादा भाई कहां जन्मे थे ये भगवान कहाँ जन्मे ये कैसे थे क्या खाते थे कहाँ रहते थे किस राजा के अंडर रहे तो मन करता है ना जानने का जैसे हम हिंदू हैं तो हम अयोध्या के बारे में अच्छा लंका आ, कैसे ले गए वो कौन कौन से रास्ते जैसे हम लोगों के मन में क्यूरियासिटी थी ऐसे ही धर्म गुरुओं के मन में क्यूरियासिटी थी और उन्हीं में से एक आदमी है फाहियान जो पैदल यात्रा करते करते सोचो कहाँ से चीन से चल के एक आदमी पैदल 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 कितने दुर्गम पहाड़ रास्ते बर्फ और क्या क्या क्रॉस करके और इंडिया आया और इंडिया आके इसने फिर यात्राएं की पूरे इंडिया में कि बौद्ध धर्म का कहा क्या कुछ है तो ये पूरा हिस्सा घूमता रहा यहाँ पर फिर यहाँ से तक्षशिला और पता नहीं कहाँ कहाँ ये पूरा पाकिस्तान पेशावर तक्षशिला गांधार चला गया फिर वापस आया जो ये बीच वाला इलाका था ना बीच वाली बेल्ट जैसे कल कोई पूछ रहा था राजधानी क्या थी जब तक मैं राजधानी अपने आप ना बताऊं तो अपने आप समझ लो कि सबकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जब चेंज करेंगे ना मैं अपने आप बता दूंगी 99% परसेंट हिस्सा पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना के बैठा था क्योंकि पाटलिपुत्र सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी राजधानी बदलेंगी जो अगले इनके गुप्तों के वंश में आगे आएंगे वो अयोध्या भी ले जाएंगे लेकिन अभी तक राजधानी सबकी पाटलिपुत्र है तो जो ये इलाका था ना बीच वाला इसको मध्य देश कहा जाता था मध्य प्रदेश नहीं कह रही मैं मध्य देश अपनी किताब लिखता है ये आदमी जो ये घूमने आया पैदल चीनी बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु मान लीजिए इसको ये पैदल पैदल आया और ये आया है हमारे यहाँ 399 नाइनटी में और फिर 412 सौ तक यहीं रहा इसी मतलब इसी बेल्ट में घूमता रहा इंडिया के आसपास या तो इंडिया या पाकिस्तान या अफगानिस्तान तक गया फिर इंडिया वापस आ गया इतने सालों में अगर हम अपने इंडिया में राजा देखें तो तीन से तीन सौ पिछहत्तर से चार सौ पंद्रह ए तक हमारा राजा चंद्रगुप्त सेकंड था विक्रमादित्य जिसके दरबार में कालिदास टाइप के बड़े बड़े लोग थे तो ये लगा लो कि इंडिया के बेस्ट राजा के टाइम में घूमने ही आदमी आया जिसका नाम है फाहियान और ये अपनी किताब लिखता है फो ये नाम है इसकी किताब का फो को की, कहीं कहीं फू को लिखा है वो यही है फो को की ये इसकी किताब है एक सी यू की किताब लिखी जाएगी बाद में पढ़ेंगे वो हर्षवर्धन के टाइम लिखी जाएगी 600 प्लस में अभी हम देखो 400 के आसपास हैं तो फो को की किताब फाहियान ने लिखी फ फ इसका अपना नाम भी तो फ से था तो फाहियान की किताब का नाम क्या है फो को अब इस किताब में इसने क्या लिखा मैं बता दूं बहुत सारी बातें लिखी हमारे बारे में लिखता है कि इंडिया का जो मध्य देश है यहाँ ब्राह्मण जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं और ये बहुत सुखी और संपन्न है इस इलाके में सब लोग खुश हैं सारी जनता खुश है चोरी नहीं होती घरों में लोग ताले नहीं लगाते कोई कहीं जा रहा है ना तो बाहर से बस अपनी कुंडी बंद कर दो कोई ताला नहीं लगता था कोई चोरी नहीं होगी इतनी संपन्नता इतना धन वैभव था कि लोगों को चोरी करने की जरूरत ही नहीं थी सब लोग काम करते थे यहाँ कोई मदिरालय नहीं था शराब खाना नहीं था कोई अगर शराब नहीं है सोसाइटी में तो आप खुद सोचो कि कितने लोग तो सुधरे ही रहेंगे यहाँ कोई बूचड़ खाना नहीं है जहाँ जानवर कटते हैं इसने लिखा कि ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो किसी भी जीवित कोई जैसे कोई पक्षी है या जानवर है इसकी हत्या नहीं करते लोग मांस नहीं खाते खाते हैं कुछ लोग मांस लेकिन जो लोग मांस खाते थे इस टाइम पर उनको समाज से बहिष्कृत किया गया और उनको चांडाल लिखा है इस किताब में चांडाल शब्द आया है वैसे चांडाल थे उस टाइम पर लेकिन लिखित में नहीं थे इसने लिखा कि जो लोग मांस खाते हैं क्योंकि राजा खुद ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ा रहे थे हिंदू धर्म मंदिर बनवा रहे थे तो जो लोग मांस खाते हैं उनका सामाजिक बहिष्कृत कर दिया गया और चांडाल नाम दिया गया पूरे एरिया में शांति सुख वैभव समृद्धि है और लोगों के पास ढेरों सामान है जीवन बहुत बढ़िया है और राजपाट में चारों तरफ लोग जो हैं वो खुश दिखते हैं तो सारी बड़ाई की कोई शराब खाना नहीं मदिरालय नहीं बूचड़ खाना नहीं हत्या नहीं करते आप नहीं करते लोग बहुत अच्छे हैं ये सब किसके बारे में लिखा जा रहा है इंडिया के बारे में किस राजा के कारण ऐसा है भाई राजा तो मेन टॉपिक होता है ना उसी के कारण चलता है ये ये सब चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में है पर कितनी अजीब बात है कि इस फोको की में इस में आदमी का एक भी बार नाम नहीं आया ये हमें अजीब लगता है कि अच्छा सिस्टम होता है अच्छे राजा के बाद अगर राजा अच्छा है तभी लोगों के मन में ये रहेगा कि हम काम करें देश के प्रति अपने प्रति कहीं ना कहीं ईमानदार रहे राजा ने सब कुछ किया किताब में बहुत अच्छा लिखा कि ये नहीं है ये नहीं है ऐसी समाज

देखें, तो बेस्ट टाइम जी रहे थे सभी लोग इस टाइम पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था पर आदमी जब इंसान है तो मरेगा ना वो कभी ना कभी वो राजा बना कुमार गुप्त आपको याद है ना किसका बेटा है चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी का बेटा है कुमार गुप्त तो अगला राजा कौन बनेगा कुमार गुप्त. कुमार गुप्त ठीक है अब कुमार गुप्त अपने पिताजी की तरह जैसे पिताजी तेज दिमाग थे समझदार थे सेम ये भी बुद्धि का स्वामी था कुमार गुप्त को खास चीजों के कारण याद रखना पहला बहुत ध्यान से सुनना इसके टाइम में एक तो हूण जो है ना ये आने लग गए थे हूण हूण कौन है मध्य एशिया की बर्बर जाति के लोग हैं ये आदमी को तुरंत मार देते हैं इनको कोई दया धर्म इस तरह का नहीं है अभी देखो इससे पीछे मैंने क्या कहा सब लोग शांत है जानवर भी नहीं मारते और एक ये विदेशी आने लग गए बर्बर जाति के लोग आते अटैक करते लोगों को मार जाते छीन लेते चोरी करते तो हूण जाति का आक्रमण होने लग गया लेकिन अभी उतना नहीं है अभी थोड़ा दबदबा था फिर भी पहला आक्रमण देखा गया पिताजी के टाइम ये नहीं था अब ये लगे इसके बाद जो इसका बेटा आएगा ना वो हराएगा हुणों को खत्म कर देगा वो राजधानी भी बदलेगा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके टाइम में इसने सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाए हैं सबसे ज्यादा अभिलेख या सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड मिले हैं ना लिखित में चट्टानों पर काम सबसे ज्यादा इसके पिताजी ने किया चंद्रगुप्त सेकंड ने जनता कितनी खुश थी सब कुछ अच्छा लेकिन ज्यादा लिखवाने का शौक भाई हिस्ट्री मेरी बने तो ज्यादा अभिलेख किसके मिले हैं कुमार गुप्त के तीसरा अच्छे काम भी किए इसने एक यूनिवर्सिटी बनवाई है जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अब तक हिस्ट्री में आपने तक्षशिला का नाम पढ़ा था चाहे चाणक्य हमने पढ़ा हो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा हो तक्षशिला का नाम आया था ना बार बार जब मे धनानंद को बताने आया था कि भाई इंडिया पर सिकंदर आक्रमण करने वाला है वो तक्षशिला का ही तो गुरु था चाणक्य जिसकी बात कर रहे हैं तो तक्षशिला एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी लेकिन उसकी दिक्कत थी वहां सिर्फ और सिर्फ अमीर पढ़ सकते थे और पूरे भारत का इकलौत ता केंद्र था शिक्षा का तो अब इतने बड़े भारत को सोचो पाकिस्तान में तो काफी दूर हो गया अब ये ज्यादातर राजा पाटलिपुत्र के आसपास रह रहे हैं तो इनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी भी यहीं बनाऊं इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बनाया गया नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ना इसकी खासियत क्या थी ये एक तो मध्य हिस्से में हो गया और दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी आसपास के जो राजा हैं जो क्षत्रिय हैं इनके बेटों का पढ़ना यहाँ पर आसान हो गया तक्षशिला फिर भी बहुत ज़्यादा दूर है एक आउटर बॉर्डर पे समझ लो एक नालंदा है बिल्कुल बीच में है तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने वाला राजा कौन है कुमार गुप्त और इस यूनिवर्सिटी की आ, कई सालों तक दबदबा रहा बोलबाला रहा लेकिन एक घटिया विदेशी आदमी आया जिसका नाम है बख्तियार ये अनपढ़ टाइप का आदमी था बख्तियार खिलजी इसका नाम है ये बारह वाली जब पढ़ेंगे ना सदी तब इसके बारे में बातचीत करेंगे बख्तियार खिलजी अनपढ़ था ये आया इसने देखा यूनिवर्सिटी तो ये वापस जा रहा था एक्चुअली ये बंगाल तक आया था और बाद में इसको वापसी का रास्ता पकड़ना था तो बंगाल से वापस जाते हुए जब ये बिहार के इलाके में आया पाटलिपुत्र बिहार वही मेन हिस्सा था हमारा तो उसने देखा यूनिवर्सिटी है तो इसने जैसे घुसा वहां ढेरों तो किताबें लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा में उस टाइम पर लाइब्रेरी मेंटेन करना ये सोचो कितने खर्चे का काम था तो राजाओं ने पैसा खर्च करके ये लाइब्रेरी मेंटेन की हुई थी और इस अनपढ़ आदमी ने देखा लाइब्रेरी में इतनी किताबें इसको तो अक्षर भैंस बराबर तो इसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन सबको जला दो और कहते हैं वो मूर्ख लोग इस लाइब्रेरी में आग लगा के चले गए चार महीने तक लगातार लाइब्रेरी सुलगती रही जलती रही इतनी किताबें थी दिन रात चार महीने अगर किताब जलेंगी तो इमेजिन करो कितनी हज़ारों लाखों किताबें जला के ये लोग चले गए उन किताबों में कितनी अच्छी बातें उस टाइम के राइटर्स ने लिखी होंगी और आज इतिहास में कितना कुछ एक्स्ट्रा हम जान सकते थे अगर ये यूनिवर्सिटी की ये लाइब्रेरी सही मिलती चार महीने लगातार सुलगने के बाद जो आसपास के राजाओं ने या लोगों ने बचा ली कुछ किताबें वो अब हमारे पास

तक्ष नाम के बेटे के लिए भरत राजा था ना भरत जिसके नाम पे हम भारत कहलाते हैं उसका बेटा था तक्ष तो उसने जो यूनिवर्सिटी बनाई वो पाकिस्तान के इलाके में तक्षशिला सबसे सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी प्राचीन विश्वविद्यालय फिर हमारे यहां, कुमार गुप्त ने बनवाया नालंदा विश्वविद्यालय जिसको कौन तोड़फोड़ गया जला गया बख्तियार खिलजी और इसी के बिल्कुल पास बनी थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तो तीन यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दी ठीक है चलिए तो कुमार गुप्त के तीनों पॉइंट याद रखना इस यूनिवर्सिटी में ना Uh -huh. टाइम कैसे फाइंड आउट करें जैसे भाई लेक्चर्स लगते होंगे जैसे आज तो हम घड़ी देख लेते हैं भाई मेरी क्लास का टाइम होने वाला है तब ऐसा नहीं था तो यहाँ पर इसी यूनिवर्सिटी में एक जल घड़ी बनाई गई थी ये देखो उस टाइम में नॉलेज कितनी थी लोगों को जल घड़ी बनाई और जल में सूरज की स्थिति को देख कर ये बताते थे कि अब इतने बज गए होंगे ये दो घड़ियाँ आपने शायद सुनी भी हों जल घड़ी और सूर्य घड़ी अगर नहीं सुनी तो दिल्ली में जंतर मंतर है वहाँ पर आप कभी जाएं मौका मिले आपको एक गाइड आप कर लें सौ दो सौ रुपये लेता है वो पूरा सिस्टम समझा देगा कि जल घड़ी कैसे काम करती है सूर्य घड़ी घड़ी कैसे काम करती है क्योंकि वहां बनी हुई ये ये तो ये जल बनवाई गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी में कुमार गुप्त का टाइम पीरियड अच्छा खासा बीता पिताजी ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना के छोड़ रखी थी इसने यूनिवर्सिटी बना दी अपने जो है आ, ये अभिलेख बनवा दिए इसका इंटरेस्ट हिंदू धर्म में था क्योंकि इसके सिक्कों पर जो है ना कार्तिकेय भगवान की पिक्चर मिली है ये कार्तिकेय कौन है पार्वती और शिव के दो बेटे थे ना एक तो गणेश थे और दूसरे कार्तिकेय कार्तिकेय छोटे बेटे हैं कार्तिकेय हमेशा मयूर पर या मोर पर बैठे रहा करते थे उनका वाहन है मोर तो कार्तिकेय की पिक्चर के साथ मयूर मयूर मतलब मोर की पिक्चर मिली है सिक्कों पर किस राजा के टाइम में कुमार गुप्त के सिक्कों पर मयूर शैली के सिक्के हैं ये एग्जाम में आ जाएगा मयूर शैली के सिक्के किसने बनवाए कुमार गुप्त ने जिसने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई नालंदा क्या बनवाई वहां पर जलघड़ी किसका आक्रमण स्टार्ट हुआ भी बढ़िया चला। साल इसने भी फिर इसके बाद अगला जो शासक आया जो लास्ट बड़ा शासक है जिसका नाम है स्कंद गुप्त अभी पहले ना इन दोनों को कर लेते हैं कुमार गुप्त और चंद्रगुप्त को और अगर टाइम मिला आज मुझे लगता नहीं क्योंकि सारा टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर पढ़ लेंगे नहीं तो कल पढ़ लेंगे इस कम गुप्त देखो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त सेकंड जिसका नाम क्या है विक्रमादित्य विक्रमादित्य बहुत सारे हुए हैं आपको याद रखना है 57 सेवन बिफोर क्राइस्ट ईरा में विक्रमादित्य का नाम एक देसी राजा था जिसने शकों को हराया था मालवा के शक भगा दिए थे ना नासिक भाग गए थे वो भी विक्रमा चौदह विक्रमादित्य हुए हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा राजा ये चंद्रगुप्त था नेक्स्ट देखें इसकी उपाधियां देखो देवराज ये आपको नोट्स बनाने हैं जो लास्ट स्लाइड्स पढ़ाती हूँ ना वो आपके नोट्स होते हैं यह है देवराज इससे आइडिया लगाओ देवताओं में इसका इंटरेस्ट था यानी ये बौद्ध धर्म को उतना प्रमोट नहीं करेगा जितना हिंदू धर्म को आज जिस धर्म को आप हिंदू धर्म कहते ना आज जो आप महाभारत रामायण पढ़ते हैं ये असलियत में जो लास्ट काम हुआ ना इनके ऊपर ये गुप्त काल में ही हुआ है तो इस आदमी का नाम क्या है देवराज देवश्री और देवगुप्त यानी देवताओं में इसका इंटरेस्ट था विक्रमांक किसी का नाम है विक्रमादित्य इसी का नाम है और परम भागवत भागवत कथा देखो आज भी तो होती है किसके लिए है ये विष्णु भगवान और विष्णु का ही एक रूप कृष्ण भी तो थे तो वैष्णव धर्म में इनकी आस्था थी और याद करो इसी के पिताजी हैं वो चंद्रगुप्त के पिताजी समुद्रगुप्त एक सिक्के पर याद है ना वो गरुड़ स्तंभ मैंने कल बताया था गरुड़ स्तंभ है एक खंभे पर गरुड़ बैठा हुआ गरुड़ किसका वाहन है विष्णु भगवान का तो वैष्णव धर्म में इनकी आस्था थी नेक्स्ट देखें ध्रुव देवी ध्रुव देवी से इनकी शादी हुई थी ना रामगुप्त की पत्नी थी वो बाद में चंद्रगुप्त की शादी हुई और कुमार गुप्त का जन्म हुआ तो जो इसका अगला वंशज है वो किस किस का बेटा है इसका अपना और कुमार देवी का कुमार देवी कैरेक्टर हमने रामगुप्त के साथ पढ़ लिया था चंद्रगुप्त सेकंड ने साम्राज्य विस्तार किया क्या तरीके थे इसके साम्राज्य बढ़ाने के या तो शादी ब्याह किए या फिर इसने अटैक किए शादी ब्याह के तीन एग्जाम्पल दिए थे खुद की शादी अपने बेटे की शादी और अपनी बेटी की शादी खुद की शादी कुबेर नागा नाम की महिला थी नागवंश की अपने बेटे की शादी कर्नाटक कदम्ब के बारे में बातचीत हुई और अपनी बेटी की शादी प्रभावती की शादी महाराष्ट्र का कौन सा था वो वाकाटक रुद्रसेन सेकंड तो इसने साम्राज्य विस्तार किया वैवाहिक संबंध और विजय द्वारा नेक्स्ट देखो ये नोट्स में लिख लेना क्योंकि पेपर में आ जाएंगे कहीं भी चंद्रगुप्त ने अपने आप शादी की है कुबेर नागा ये नाम से आदमी लग रहा है महिला का नाम है कुबेर नागा एक कन्या है नागवंश की राजकुमारी है इन दोनों की बेटी है प्रभावती तो प्रभावती जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम आता है जिसने तांबे के पत्र लिखवाए अपने बाप दादा परदादा के नाम लिखवाए वो किस किस की बेटी है चंद्रगुप्त सेकेंड और कुबेर नागा की फिर प्रभावती जब बड़ी हुई तो इसकी शादी किससे कर दी रुद्रसेन सेकंड से ये कौन है वाकाटक वंश का है महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी भी इनके पास आ गई और अपना बेटा कुमार गुप्त किस, -किस का बेटा ये चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी का बेटा जो पहले रामगुप्त की वाइफ थी उसका बेटा इसकी शादी कर दी कर्नाटक में कुंतल या कदम्ब राजवंश से ये नाम आप लोगों ने आ, साउथ इंडिया की कई मूवीज में सुना होगा क्योंकि कर्नाटक का इलाका है तो देखो महाराष्ट्र में अपनी बेटी की शादी कर दी वाकाटक में रुद्रसेन सेकंड से और कर्नाटक में अपने बेटे की शादी कर दी तो अपनी शादी कहां की थी नागवंश की कुबेर नागा इन दोनों की बेटी कौन थी प्रभावती कुमारगुप्त किसका बेटा है चंद्रगुप्त सेकेंड और ध्रुव देवी का ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है दो चार बार सुनोगे पढ़ोगे नोट्स बना लोगे फिर याद हो जाएगा नौ रत्न देखो नौ बेस्ट आदमियों की टीम थी चंद्रगुप्त सेकंड के पास और किसी के पास भी अगर अच्छी बहुत बढ़िया टीम होती है ना तो राजा हमेशा ग्रोथ ज्यादा करता है अकेला राजा बहुत बड़े डिसीजन नहीं ले पाएगा तो बेस्ट टीम थी इसके पास साइंटिस्ट की मैथमेटिशियंस की व्याकरण लिखने वालों की ज्योतिष विज्ञान की जिनको यानी अलग अलग बेस्ट फील्ड के आदमियों को इसने उठाया और नौ रत्न थे ये इसके एक नव नवरत्न का कैरेक्टर भी आएगा वो अकबर के दरबार में है जिनमें बीरबल टाइप के आदमी थे ये नवरत्न नहीं है ये नौ रत्न है दो अलग चीजें हैं ये पेपर में ऐसे ही एक चीज आएगी अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज आठ बेस्ट आदमी ये नौ रत्न है नवरत्न आएंगे अकबर में मिडियवल इंडिया में चलिए देखें कौन कौन थे ये धनवंतरी नाम का एक बहुत बड़ा डॉक्टर था एक डॉक्टर मैंने आपको जीवक बताया था एक चरक बताया था जीवक बिम्बिसार के टाइम में था जब मगध सबसे बड़ा महाजनपद था और चरक जो बताया था कल चरक संहिता कनिष्क के टाइम में था कनिष्क जो बहुत बड़ा कुशान वंश का राजा था इसको आयुर्वेद में बहुत बढ़िया इसकी पकड़ थी तो हर राजा के पास कुछ बेस्ट डॉक्टर्स की टीम होती थी उनको लीड करता था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में धनवंतरी आप आज भी धनतेरस मनाते हैं आपको पता होगा धनतेरस हम इंडियन बहुत सारे लोग तो मानते हैं कि धनतेरस कुबेर का जन्मदिन होता है और कुबेर जो धन के देवता हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि धनतेरस धनवंतरी जो कि गुप्त साम्राज्य में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे इनके लिए मनाया जाता है और ये हमेशा दिवाली से एक दिन पहले आता है पहले धनतेरस होता है फिर छोटी दिवाली फिर दिवाली धनतेरस मतलब धनवंतरी का बर्थडे है असलियत में वैसे हम कुबेर की पूजा करते हैं यक्ष की पूजा करते हैं तो धनवंतरी इनके दरबार में था कालिदास मैंने बताई दिया कैसे अनपढ़ आदमी था और कैसे ज्ञानी आदमी बन गया लेखक बन गया कविताएं लिखने लगा कवि बन गया तो नाटक और काव्य किस भाषा में लिखा इसने संस्कृत में और मैंने जानबूझ के इसकी कविता और ये सब नहीं लिखे क्योंकि आपको बहुत बार बता दिया म म म संस्कृत है ना हलंत वाली भाषा अभिज्ञान शाकुंतलम ऋतु संहारम और आ, ये अग्निमित्रम तो इस तरह के जितने नाटक हैं जितनी कविताएं हैं ये सब इसी ने लिखी हैं कालिदास ने संस्कृत का राइटर है ये वराह मिहिर खगोल विज्ञान साइंटिस्ट था एस्ट्रोलॉजी में इसको बहुत समझ थी ये कैसे ये सूरज घूमता है जैसे कल परसों चंद्र ग्रहण सूर्य सब

ज्योतिष कि भाई कौन सा ग्रह किस में है क्या कुछ करना है ऐसे वरुचि नाम का आदमी था व्याकरण देखो व से वर से व्याकरण उस टाइम कौन सी भाषा ज्यादा ऊपर थी संस्कृत तो संस्कृत तो में ही कालिदास कालिदास लिखते 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 थे कालिदास किताबे लिखते थे किताबें कविताएं थे महाकाव्य लिखते थे व्याकरण पे उनकी कमांड नहीं थी व्याकरण के ऊपर काम किसने किया है वर रुचि ने ठीक है क्षपणक ने इसको ऐसे याद कर लेना किसी भी क्षण क्षण दिख रहा है ना ज्योतिष से चीजें बदल जाती है तो क्षपणक ज्योतिष में है और ये रुचि व से व्याकरण में वो तीन तुम्हें याद ही है ऊपर वाले नेक्स्ट है अमर सिंह अमर सिंह तुम अगर देखोगे ना अब एक रेड ऐसे कलर की बुक दिखेगी इस पे लिखा हुआ है अमर कोश तो इसमें वो कैब है जैसे जिसको हम डिक्शनरी बोलते हैं ना आज वो कैब जिससे बढ़ती है तो इसने वो कैब के ऊपर काम किया अमर कोश जैसे शब्द कोश होता है ऐसे अमर कोश तो वो कैब के ऊपर काम करने वाले आदमी का नाम है अमर सिंह किताब का नाम लिख दिया अमर कोश तो शब्द कोश उसमें वो कैब दी हुई है क्षपण क्षण में क्या बदलता है ज्योतिष से चीजें बदल जाती हैं बरा मिहिर कौन था खगोल शास्त्री था कालिदास राइटर भी था, वर ने व्याकरन, व्याकरन के ऊपर काम, काम, तो काम किया जो आर्किटेक्ट होते हैं ना बहुत सारे ईस्ट फेसिंग घर बना लो वेस्ट फेसिंग मत करो इस तरह की बातें करने वाले एक तरह से आर्किटेक्ट पे इसकी पकड़ थी शंकु की तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मान लो बनाने का काम नेक्स्ट है बेताल भट्ट ये भी संस्कृत में लिखने वाले बहुत बड़े ऑथर हुए हैं बेताल भट्ट बेताल भट्ट संस्कृत से जुड़े वर रुचि भी व्याकरण का था अमर कोश ने वो कैप पे काम किया शंकु ने किस पे काम किया आर्किटेक्चर वास्तुकला इनके ऊपर इसने मंत्र दिए हैं जो बेताल है ना तो संस्कृत में ये ओम भूर्भ स्वर टाइप ये जो हैं ये बहुत पुराने हैं ये कहाँ से आया ऋग्वेद के तीसरे मंडल से ना तो ऐसे ही बाद में भी तो काम हुआ होगा तो इसने मंत्र दिए हैं सारे मंत्र उच्चारण ने ये सब पहले जो पुराने थे उनमें कुछ ऐड कर दिया नेक्स्ट है घटकर पर घटकर पर जो है ये कवि है कर पर क्या है कवि तो नौ कहीं ना कहीं अगर आ जाए तो आपको पता होने चाहिए अमर सिंह ने क्या लिखा अमर कोश विश्व कोश शंकु ने क्या दिया शिल्प के ऊपर वास्तुकला के ऊपर क्षपणक ने क्षण में क्या बदलता है ज्योतिष विज्ञान से चीजें बदलती हैं घट कर पर कवि है तो एक जो व से था पीछे उसका नाम वर रुचि वो व्याकरण देता था बेताल ने क्या किया है मंत्र के ऊपर संस्कृत का ऑथर था तो ये सारे नौ के नौ एक दो बार पढ़ लेना आइडिया रहना चाहिए कालिदास आप अच्छी तरह जानते 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 हैं जानते हैं हैं और धनवंतरी धनवंतरी के कारण ही आयुर्वेद डे मनाते हैं हम कब मनाते हैं जब भी दिवाली होगी उससे एक दिन पहले जो दिन होगा उस दिन को हम लोग आयुर्वेद डे मनाते हैं एग्जैक्टली हर साल एक दिन नहीं होता क्योंकि आयुर्वेद दिवस धनवंतरी का जन्मदिन है और वो हिंदी कैला ंडर के अनुसार हर साल बदलता है तो उसकी कोई कंफर्म डेट नहीं होती धनवंतरी डे ही मनाते हैं आयुर्वेद डे नेक्स्ट देखो फाहियान जो घूमने आया था ना बौद्ध इसके बारे में नॉलेज लेने ध्यान से देखना दो शब्द है फा जमा हियान फा का मतलब धर्म और हियान मतलब आचार्य तो ऐसे धर्म गुरु मान लो जो धर्म की दीक्षा दे आगे बढ़ाए उन्हें फाहियान कहते हैं ठीक है देखो आगे फोको किताब लिखी है फाहियान ने और कहाँ घूमा गांधार तक्षला पेशावर पंजाब मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं है ये मध्य देश मतलब पाटलिपुत्र मगध सारा इलाका क्या कहता है ये मध्य देश ब्राह्मणों का देश है मैंने आपको बार बार बताया जब जब हिंदू धर्म ज्यादा बढ़ेगा तो नंबर वन पर ब्राह्मणों की गिनती थी गुप्त काल एक ऐसा टाइम था जब ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा स्थान था समाज में तो ब्राह्मणों का देश बताया कि इस मिडिल एरिया में सबसे ज्यादा जो जाति ऊंची मानी जाती है वो ब्राह्मणों का देश है जनता सुखी है संपन्न है घरों में कोई ताले नहीं लगते कोई चोरी नहीं होती जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते और मदिरालय नहीं है कहीं पर भी बूचड़खाना नहीं है क्रय विक्रय करते हैं ये कौड़ियों में देखो इनके रुपए हैं ये इनके रुपए और पैसे बड़ी मुद्रा को ये दिनार कहते हैं ठीक है बस हो गया कुमार गुप्त है ये मैं कल पढ़ा दूंगी चलो क्योंकि टॉपिक फिर टाइम ले जाएगा दो टॉपिक रह गए हैं कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त कुमार गुप्त मैंने आज पढ़ा दिया समझा दिया सिर्फ रीड आउट करना है स्कंद गुप्त को कल मैं डिटेल से पढ़ा दूंगी चलिए आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है इसीलिए इतना ही पढ़ेंगे बाकी कल मिलेंगे इनके नोट्स जरूर बना लेना नोट्स बनाओगे तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम टाइम पे थैंक यू